जो बस स्टैंड है गुलबर्गा नगर में, वो बस स्टैंड में फैन और पानी का सहलौती करना बोल के हमारा एक होराटा है। क्यों बोले तो, अब धूप पहले चालू हुआ, अब धूप बहुत रहता है, जो बस में फिरते हैं वो लोग को पानी का जरूरत रहता है, और शौचालय भी रहना वहाँ पे, और जितना जल्दी होता है उतना जल्दी जगदेव हॉस्पिटल के बाद जो पहले बस स्टैंड था बड़ा करना हो। क्यों बोलते हो, जगदेव हॉस्पिटल आज नहीं तो कल ओपनिंग होने वाला है, और ओपनिंग होने के बाद लोग 20,000-30,000 लोग वहाँ पर डेली आते हैं, इसीलिए वहाँ पे लोग आने के से पहले ही दो एक बस स्टैंड था वहाँ बड़ा बस स्टैंड बनाना। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट। लर्न टू सक्सीड। इंस्टीट्यूट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, करंटली ऑफरिंग 20% डिस्काउंट्स। विजिट फॉर डिटेल्स एंड फ्री करियर काउंसलिंग एट एमजी रोड आदर्श नगर कल। सबको नमस्कार। आज जय कन्नड़गर रक्षण वेदी के तरफ से आज कलबुर्गी नगर में जो कल्याण कर्नाटक सारिगे रस्ते बस निर्धारण के बस केंद्र के सामने आज हम लोग मनवी देने आए हैं। मनवी देने के उद्देश्य क्या है बोलो तो, जो जगदेव हॉस्पिटल नया हॉस्पिटल बन रहा, उससे पहले वहाँ बस स्टैंड था, सिटी बस स्टैंड, और वहाँ पे गर्ला स्कूल विद्यार्थी लोग और सारी जन के बस स्टैंड था। वो वहाँ जो नया जगदेव हॉस्पिटल बनने के बाद वो बस स्टैंड नाली बनाने बोल के बस स्टैंड निकाल दिए, और उसके बाद वो बस स्टैंड ही नया वहाँ पे ओपनिंग नहीं करे, और नया भी वो बस स्टैंड नहीं करे वहाँ पे, और रंग मंदिर सामने है, और लोग साविरार लोग फिरते हैं यहाँ पे, इसीलिए जो आज धुपेले चालू हो रहा। और उसके बाद जो बस स्टैंड है गुलबर्गा का नगर में, वो बस स्टैंड में फैन और पानी का सहलौती करना बोल के हमारा एक होराटा है। क्यों बोले तो, अब धूपेले चालू हुआ, अब धूप बहुत रहता है, और उसके अंदर लोग जो बस स्टैंड बस के जो बस में फिरते हैं वो लोग को पानी का जरूरत रहता है, और शौचालय भी रहना वहाँ शौचालय नहीं है, इसीलिए वहाँ पानी और फैन का सहलौती करके देना बोल के हमारा एक बेड़िका है, और जितना जल्दी होता उतना जल्दी जगदेव हॉस्पिटल के बाजू जो पहले बस स्टैंड था वही बस स्टैंड फिर नया निर्माण बड़ा करना हो। क्यों बोलते हो, जगदेव हॉस्पिटल आज नहीं तो कल ओपनिंग होने वाला है, और ओपनिंग होने के बाद लोग 20,000-30,000 लोग वहाँ पर डेली आते हैं, इसीलिए वहाँ पे लोग आने के से पहले ही दो एक बस स्टैंड था वहाँ तीन दो बड़ा बस स्टैंड बनाना बोल के, और उसके अंदर जिले उस्तवरी जो साहब जो वेदिकी के सचिव थे चरण प्रकाश पाटिल साहब ने बोले हम लोग ऑलरेडी ओपनिंग भी करेंगे और नया बस स्टैंड भी करेंगे बोल के वो भी स्टेटमेंट दिया, और इसीलिए चरण प्रकाश पाटिल को विनंती करता हूँ जितना जल्दी उतना जल्दी में आप उन्हें वहाँ पर बस स्टैंड रेडी करना, और वहाँ विद्यार्थी लोग को और सारी जन के लोग को अनुकूल करके देना बोल के हमारा एक बेड़ी है। This video presented by Inspire Global Group Institute. Learn to succeed. Institute offers a wide range of professional and technical courses. Currently offering 20% discounts. Visit for details and free career counseling at MG Road, Adarsh Nagar, Kalbu.